आज के इलेक्शन के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये बिल्कुल कैलकुलेटेड था और एक इंटेलिजेंस वर्क था, इसलिए कि उन्होंने उनको मालूम है कि जिस तरह से वोटों को मुस्तरद करवाया गया, हालांकि अगर जिसने ये सारा प्लान चाकआउट किया है तो वो ये कह सकते थे कि जी आपने दो बार मोहर लगानी है, आपने वोट को ख़राब करना है, उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर स्टैम्प किया और इस इशू पर कि क्या ये एक वैलिड वोट है या इनवैलिड वोट है, जब नाम के ऊपर स्टैम्प लगाई जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला 2004 SCMR पेज 1899, उन्होंने उसमें ये होल्ड किया हुआ है कि नाम के ऊपर मोर जो है ये वोट को इनवैलिड नहीं बनाता। सो जब अपोजिशन इसको चैलेंज करेगी प्रॉपर फोरम पर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, या इलेक्शन कमीशन में, तो ये फैसला यकीनन हुकूमत के ख़िलाफ़ आएगा या सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ आएगा और ये डिसीट हो जाएंगे। और ये कब डिसीट होते हैं, ये इसमें फिर जिन लोगों ने ये सारी प्लानिंग की है वो बेहतर जानते हैं कि इन्हें कब डिसीट करवाना है। सो इट इज़ ऑल कैलकुलेटेड।